और इस वक्त बड़ी खबर पाकिस्तान से मिल रही है। पाकिस्तान पर ईरान के हमले में 100 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर है। बलूचिस्तान में हुए ईरान के हवाई हमले में अब तक 100 से ज्यादा लोग मारे जाने की बात सामने आ रही है। बड़ी जानकारी आपको दे दें, 100 से ज्यादा लोग इस हमले में मारे गए हैं। मंगलवार को ईरान ने पाकिस्तान पर यह हमला किया था, स्ट्राइक की थी। पाकिस्तान ने हमला होने की बात तो मानी है, लेकिन डेटा नहीं बताया है, आंकड़ा नहीं बताया है कि कितने लोग मारे गए हैं। संख्या के बारे में कोई भी जानकारी नहीं दी है। तो पाकिस्तान पर जो है स्ट्राइक हुई है, उससे जुड़ी इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे दें। 100 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर है। मंगलवार को ईरान ने पाकिस्तान पर हमला किया था। बलूचिस्तान में आतंकी ठिकानों पर ईरान की तरफ से स्ट्राइक की गई थी। आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद किया गया था। और इस हमले से जुड़ी सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि जब पाकिस्तान में ईरान का हमला हुआ, उससे ठीक 12 घंटे पहले स्विट्जरलैंड में पाकिस्तान की सरकार ईरान के साथ अपने संबंधों को सुधारने की कोशिश कर रही थी। स्विट्जरलैंड के दावोस में पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री ईरान के विदेश मंत्री से मिले, और इस मुलाकात में इसके ठीक 12 घंटे बाद पाकिस्तान पर ईरान का बड़ा प्रहार हो गया। ईरान ने आतंकियों के ठिकानों को धुआं धुआं कर दिया। रॉकेट और ड्रोन के जरिए ईरान ने आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया। आतंकवादी घटनाएं या आतंकवादी ऑपरेट कर रहे हैं, उनके अगेंस्ट वो ऑपरेट करना चाह रहा है, और स्पेशली उस आतंकवादी संगठन जिसका नाम है जैसे अल अदल। ये एक सुन्नी मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो आईएस की मदद से मिडिल ईस्ट में आतंक का माहौल बढ़ाना चाह रहा है, और इसके कुछ एलिमेंट हो सकता है हिंदुस्तान के भी अगेंस्ट ऑपरेट करें। इसी के तहत उसने बलूचिस्तान पे एयर स्ट्राइक किया और ये मैसेज दिया कि जो भी आतंकवादी संगठन वो पाकिस्तान में ऑपरेट कर रहे हो, चाहे वो सीरिया में ऑपरेट कर रहे हो, चाहे वो इराक में कर रहे हो, या मोसाद के भड़काए हुए लोग हैं, इन सबको वो छोड़ेगा नहीं, एक एक करके उनके ऊपर स्ट्राइक करेगा। और एक मैसेज दिया पूरे वर्ल्ड को कि वो आतंकवादी, जितने आतंकवादी संगठन है जो उसके लिए काम नहीं करते हैं, उनके अगेंस्ट वो इसी तरीके की एयर स्ट्राइक करते रहेगा। ये हमेशा से टाइम एंड अगेन प्रूव होता रहा है कि पाकिस्तान ऐसी चीजें, ऐसी कंडीशन प्रोवाइड करता है, ऐसा सॉफ्ट ग्राउंड है जहां पे आतंकवाद पनपता है और बढ़ता है। पाकिस्तान दुनिया में चाहे कितने भी क्लेम कर ले, उसकी जो सत्ता है उसकी चाबी कुछ हद तक आतंकवादियों के पास है, आईएसआई के पास है, और आईएसआई हमेशा से बैकबोन रहा है सारे आतंकवादी संगठनों को। वो ट्रेनिंग देता है, फंडिंग करता है और उनको नेबरिंग कंट्रीज में लॉन्च करता है। और न्यूज 18 इंडिया के हमारे सहयोगी संदीप बोल इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। संदीप, पाकिस्तान के अंदर यह हमला हुआ, पाकिस्तान के अंदर घुसकर स्ट्राइक की गई, यहां डेटा पाकिस्तान जारी नहीं कर रहा कि नुकसान कितना हुआ है, कितने लोग मारे गए हैं, और क्या कुछ डिटेल्स मिल रही है फिलहाल? देखिए, कभी भी इस तरीके के ऑपरेशंस किए जाते हैं, इस तरीके की स्ट्राइक की जाती है तो प्रिसिशन स्ट्राइक होता है, यानी कि पिन पॉइंट स्ट्राइक किया जाता है और इस बारे में पूरी जानकारी लेकर ही स्ट्राइक किया जाता है, क्योंकि कोई भी देश कोलेटरल डैमेज नहीं चाहता है। लिहाजा इस तरीके की स्ट्राइक हुई, खुद पाकिस्तान की तरफ से एक स्टेटमेंट जारी किया गया उनके फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से, जिन्होंने इसको तस्दीक की कि हाँ वहाँ से अटैक हुआ है, लेकिन वहाँ पे मरने वालों की संख्या, जिनमें 2 बच्चे बताए गए हैं, 3 लड़कियाँ घायल हुई हैं, लेकिन जिस तरीके की रिपोर्ट्स आ रही है मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है। 2 अलग अलग जगह पर स्ट्राइक हुई है, ये बात तो साफ हो रही है कि ईरान ने ये मैसेज दे दिया कि जो भी उनके अगेंस्ट मिलिटेंट। अब सवाल ये है कि इस स्ट्राइक को किस तरीके से लेगा पाकिस्तान, क्योंकि ये जो भी अटैक हुए हैं, स्ट्राइक हुए हैं, वो उनकी ज़मीन पे तो हुए हैं, लेकिन जो मिलिटेंट आउटफिट्स हैं उनको हिट किया गया है। तो ऐसे में क्या ये मिलिटेंट आउटफिट के अगेंस्ट ईरान का ऑपरेशन है या किसी देश के अगेंस्ट ऑपरेशन है, ये अब पाकिस्तान इसको लेकर एक माहौल बनाने की कोशिश ज़रूर करेगा, क्योंकि वो कभी ये नहीं मानता कि उसके यहाँ पे किसी भी तरीके की आतंकवादी गतिविधियाँ चलती हैं, क्योंकि सारी दुनिया जानती है कि वही एक सबसे बड़ी आतंकी फैक्ट्री, और शायद दुनिया के और भी जितने भी देश हैं उनमें अगर सबसे ज़्यादा अगर कहीं आतंकी संगठन पलते फलते फूलते हैं तो वो पाकिस्तान ही है। तो अभी मिडिल ईस्ट में जिस तरीके के हालात बने हुए हैं हमास और इसराइल की जंग के बाद से, लगातार ये फैलता जा रहा है किस तरीके से ईरान ने 2 स्ट्राइक किए, इससे पहले सीरिया में स्ट्राइक किया, उसके बाद एक स्ट्राइक उन्होंने इराक में किया। ज़्यादातर अगर हम लोग कनेक्टिविटी देखें तो सीधे तौर पर ईरान उन सब टेररिस्ट आउटफिट को हिट कर रहा है जिन्होंने उसको हिट किया, यानी कि कासिम सुलेमानी के जो सालाना जब उसका उनका
प्रशासन था उस वक्त एक श्रद्धांजलि समारोह थी, एक साल पूरे होने की बरसी थी, उस वक्त भी एक बड़ा अटैक किया गया जिसमें कई लोग मारे गए थे। और मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को यह भी समझाएं, एक तरफ स्विट्जरलैंड में मुलाकात हो रही थी, पाकिस्तान रिश्ते सुधारने की बात कर रहा था ईरान से, लेकिन दूसरी तरफ ये हमला किया गया, ऐसे में क्या समझा जाए, ईरान आखिर मैसेज क्या देना चाहता है पाकिस्तान को? देखिए मैसेज तो साफ है, ईरान की तरफ से मैसेज साफ है, क्योंकि वो सिर्फ पाकिस्तान को नहीं बल्कि तमाम उन देशों को मैसेज देने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि वो इस वक्त इस कंडीशन में नहीं है कि वो अमेरिका के अगेंस्ट वॉर कर सके, उसके अगेंस्ट लड़ाई लड़ सके, लेकिन ये ज़रूर है कि जिसने उसको नुकसान पहुँचाया है, एक मैसेजिंग देने के लिए कि अगर कोई भी टेररिस्ट आउटफिट या कोई ऐसा स्टेट जो उसके अगेंस्ट किसी भी तरीके की ऑपरेशन को कंडक्ट करेगा तो उसका रिटेलिएशन ऐसे ही होगा, और इसी तरीके से रिटेलिएशन दिया। और बड़ी लड़ाई के लिए ईरान तैयार इसलिए नहीं है क्योंकि उसके ऊपर अमेरिका की तरफ से दुनिया भर के सैंक्शन लगे हुए हैं, तो ऐसे में वो सीधे वॉर में जरूर नहीं जाना चाहेगा, और इसी वजह से वो उन आतंकी संगठनों को मदद कर रहा है, चाहे वो हमास हो, चाहे हिजबुल्ला हो, चाहे यमन के हुती हो, इन सबको वो सपोर्ट कर रहा है। आप समझिए कि यमन के हुती विद्रोही जिनके पास बहुत ज्यादा असल वो नहीं हो सकता, असला नहीं हो सकता, वो बैलिस्टिक मिसाइल तक फायर कर रहे हैं, जितने भी रेड सी में है वो उन शिप को अटैक कर रहे हैं, तो एक बात तो साफ है कि ईरान उन सारे जो आतंकी संगठन है उनको मदद कर रहा है, लेकिन ये भी मैसेज दे रहा है कि किसी ने हमारे अगेंस्ट कोई एक्शन किया तो उसका यही अंजाम होगा, और यही हम लोगों ने बलूचिस्तान में बिल्कुल देखा। संदीप, इस खबर पर आप अपनी नजर बनाए रखिएगा, फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका ये तमाम डिटेल्स हम तक पहुंचाने के लिए।